नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में देर शाम लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा सामने आया है। जैसा कि गोरक्षकों ने बताया, बिजली निगम की लापरवाही के चलते रेवाड़ी शहर के बीएमजी मॉल के समीप बिजली तारों की चपेट में आने से एक गोमाता की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बीएमजी मॉल के समीप एमआरएफ सेंटर के बाहर खुले में बिजली की ट्रांसफार्मर रखी हुई है। खाने की तलाश में गाय वहां पर पहुंच गई, जिसके चलते वह बिजली की चपेट में आ गई। मौके पर गोरक्षक व पुलिस भी देखी जा सकती है। गोरक्षकों ने बिजली निगम के कर्मचारियों को फोन किया तो बेहद चौंकाने वाला जवाब सामने आया। बता दें कि बीएमजी मॉल के पास ही नहीं, शहर में अनेक ऐसे भीड़ भाड़ वाले स्थान है जहां पर ट्रांसफार्मर बिना तारबंदी के रखी हुई है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, शायद बिजली निगम भी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। लेकिन जिस तरह से गोमाता की दर्दनाक मौत हुई है, बिजली निगम पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि गोमाता एक पशु ही नहीं करोड़ों हिंदुओं की आस्था भी है। ऐसे में इस पर बिजली निगम के अधिकारियों को भी जवाब देना होगा। आखिर इस गोमाता की मौत का जिम्मेदार कौन है? आखिर क्या लापरवाही करने वाले कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, यह भी देखना होगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सतवीर नाम है जी मेरा। क्या यहाँ पे मामला है, क्यों आप यहाँ पे करते हो? मामला ये है जी, मैं गोरक्षा दल रेवाड़ी से बात कर रहा हूँ, ठीक है, सदस्य हूँ मैं। मेरे पास कॉल आई थी अभी करीब करीब एक घंटे पहले, ठीक है। यहाँ पे बीएमजी मॉल के पास एक बिजली वालों का ट्रांसफार्मर नीचे जमीन पर रख रखा उन्होंने, ठीक है, उससे टच हो गए, गौ माता एक एक्सपायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बिजली वालों की इतनी लापरवाही है, यहाँ पे तीन ट्रांसफार्मर नीचे रखे हुए हैं बिल्कुल, ठीक है, उसके चारों तरफ ना कोई तार बाड़ है, ना कुछ भी, मतलब सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है। और मेरे लास्ट टाइम अभी उससे बात हुई है, सुनील जेई से, जो बिजली महकमा जो इस लाइन को देख रहा है, उसकी ये वर्डिंग है, बोला पशु है, आवारा है, घुस गया, मर गया तो क्या बात होगी। मतलब उनकी इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद भी उनकी ये वर्डिंग है, अब पशु है, आवारा है, मर गया तो क्या होगा। ये गौ माता है जो अपने हिंदू धर्म के प्रति, मतलब जिससे हमें इतना लगाव है, और उसकी ये वर्डिंग है। इसके लिए बिजली निगम की जिम्मेदारी होती है कि फेंसिंग कराए तमाम ट्रांसफार्मर के लिए, कि जिस तरह से गौ माता की यहाँ पे मौत हुई है, दर्दनाक मौत हुई है, क्या कहेंगे, कहेंगे कि जिम्मेदारी निगम की, निगम के चलते इसकी मौत हो गई। इसमें पूरी की पूरी जिम्मेवारी निगम की है, और मैं तो सबसे मेन तो कहूंगा सुनील जेई की जिम्मेवारी है इसमें, वो इस चीज के लिए लिख के देगा, इस चीज के लिए आगे ये क्यों हुआ ये हादसा। उसने मतलब ऐसे वर्ड बोले है, वो मेरे पास है, ऑन रिकॉर्ड है, वो चीज सारी चीजें है, उसने ऐसे वर्ड बोले, बोला पशु है, आवारा है, एक अपनी गौ माता है, अपने धर्म के, उससे हिंदू धर्म का सबसे मेन वो है, इसके लिए हम दिन रात अपनी मेहनत करके इसके लिए वो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और ये ऐसे वर्ड बोल रहे हैं, और ना इसकी कोई फेंसिंग है, ना कुछ हो रहा है। उस फेंसिंग के लिए मैंने उससे बात करी, मैं सर इसका क्या सोल्यूशन दोगे? उसने बोला हम सोमवार को आएंगे, सोमवार को एस्टिमेट बना हुआ है, उसके बाद बात करेंगे। अब आप बताओ सोमवार तक इस चीज को हम खुला छोड़ सकते हैं? मतलब हम दूसरे उसको नोता दे रहे हैं, इस चीज को खुला छोड़ दिया। बोल है तमाम, यहाँ पर भीड़ भी रहती है, बावजूद इसके तरह के हालात बहुत ही ज्यादा, मतलब वो एरिया है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल साइड में, बिल्कुल ऑन चौक पे, लियो चौक पे, बिल्कुल आप चारों तरफ देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे। हम दूसरे हादसे को उसका नोता दे रहे हैं, इसको खुला छोड़ के। इस तरह निगम की लापरवाही, क्या कहेंगे और क्या मांग करेंगे? हमारी मांग यही है निगम की तरफ से, जो सुनील जी है वो आके इस चीज का पे लिख के देगा सारी चीजें, ये हादसा क्यों हुआ, इसका जिम्मेवार कौन है, वो सारी चीजें सुनील जी लिख के देगा इस चीज के लिए। और अभी इसका तुरंत, अगर परमानेंट नहीं हो सकता, टेम्प्रेरी तौर पे इसका कौन वो करके देगा, वो किया जाए टेम्प्रेरी तौर पे।